राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, सारे विश्व में किसी भी देश पर इतने आक्रमण नहीं हुए जितने भारत पर हुए, इसलिए फिर संघर्ष का इतिहास लंबा ही होगा। इस लंबे इतिहास में से केवल 190 वर्ष आपके लिए अभी लाया हूं मैं। लंबे इतिहास की आखिरी पूंछ 1757 से 1947, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने तक का इतिहास, और इस बीच में इतिहास, उस समय की भूमिका, परिवेश, वातावरण, ये सब तो मैं साथ साथ बता ही रहा हूं, लेकिन एक बात बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इस 190 वर्ष के मैं उन महान नायक और नायिकाओं को आपके सामने ला पा रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, कहीं भी पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। और ये कौन लोग थे जो सचमुच में देश की आजादी के लिए सर्वस्व निशावर कर रहे थे, कर गए, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेल की लंबी यातनाएं सहन करते करते जेल के अंदर दम तोड़ गए, और काला पानी यानी धरती पर, आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं कोई नरक है और उस नरक का भी कोई भयंकर रूप है, तो वो अंडमान की सेलुलर जेल, काला पानी जिसको बोला जाता था, वहां कितने लोग भेजे गए। 90% लोग वहां मर खप गए, पता ही नहीं चला, और जो 10% कहीं बच भी गए उनको भी इतिहास के अंदर कहीं लाया नहीं गया। 6 मिनट यहां निकालने मुश्किल है वहां कुछ अपने उस समय के क्रांतिकारी, 6 साल निकाल रहे थे, 16 साल निकाल रहे थे, 2 जन्मों का कारावास क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर। हाँ, इन सब बातों के ऊपर हम समय समय पर चर्चा करते ही रहते हैं, लेकिन उन अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने के क्रम में आज भी एक ऐसे ही अज्ञात महानायक, कमाल के विलक्षण क्रांतिकारी श्री कमलनाथ तिवारी, उनको मैं आपके सामने ला रहा हूं। श्री कमलनाथ तिवारी बिहार के चंपारण जिले के बेतिया स्थान के हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, किशोर बाल। और इस हाई स्कूल में पढ़ने वाले जिस छात्र को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका नाम है कमलनाथ तिवारी। इस विद्यार्थी को हाई स्कूल से निकाल दिया गया और उसके प्रमाण पत्र पर लिख दिया गया क्या, इस विद्यार्थी ने धारा 144 का उल्लंघन स्वयं किया और अन्य छात्रों को ऐसा करने की प्रेरणा दी, उकसाया, मोटिवेट किया, ये उस पर लिख दिया गया। अब तो कमलनाथ का भविष्य अंधकारमय हो गया। बालावस्था में स्कूल के दरवाजे बंद हो जाए, हाँ, अंधकारमय हो गया। वह भर्ती के लिए, एडमिशन के लिए कहीं भी जाता तो उसे गत विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगा जाता, और प्रमाण पत्र देखकर कोई भी उसे प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं होता था। परिवार के लोगों की ओर से और भी अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, होता है, स्वाभाविक है,
कोई माँ बाप यही चाहेगा कि बेटा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करे, ये क्या शुरू कर दिया इतनी छोटी अवस्था में, स्कूल से निकाल दिए गए, अब कहीं दाखिला नहीं मिलेगा। माँ बाप की चिंता स्वाभाविक है, वो डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, ये भी कहेंगे ये कहाँ से आ गया हमारे घर में भूत कपूत वगैरह वगैरह, ऐसा भी बोला जा रहा था कमलनाथ तिवारी को। प्रवेश कहीं नहीं मिला, परिवार से भी डांट पड़ रही है, टॉर्चर हो रहा था। कमलनाथ का एक मित्र मणिभूषण भट्टाचार्य, मणिभूषण भट्टाचार्य कलकत्ता में रह रहा था, वे उसी के पास कलकत्ता पहुंच गया कमलनाथ, और वहां के आर्य समाज मंदिर में रहने लगा। आर्य समाज मंदिर में वे झाड़ू लगाता, दरियां बिछाता और छोटे मोटे सभी प्रकार के काम वो कर लेता। कलकत्ता में उसके रहने की भी समस्या हल हो गई और विद्यालय प्रवेश की भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोग से किसी स्कूल में प्रवेश भी मिल गया, प्रवेश की समस्या भी हल हो गई, एडमिशन हो गया। क्रांतिकारी विचारों का होने के कारण कलकत्ता में कमलनाथ का संपर्क अन्य कई क्रांतिकारियों के साथ होने लग पड़ा, जो बाल्यावस्था में ही निकालना ही इसीलिए गया तो कलकत्ता, वो एडमिशन लेने के बाद बस फिर रास्ता छोड़ देता वो, नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ उसका संबंध हो गया। उन्हीं दिनों सरदार भगत सिंह बम बनाने के काम आने वाली सामग्री खरीदने कलकत्ता पहुंचे। वे स्वयं इस सामग्री को खरीदने के लिए दुकानों पर जाना नहीं चाहते थे। बम के काम आने वाली रासायनिक सामग्री खरीद कर लाने का काम कमलनाथ तिवारी को दिया गया। छोटा है, कोई शक नहीं करेगा, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये काम तो दे दिया गया, और कमलनाथ तिवारी ने वह दायित्व बहुत जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। पंपों के लिए गन कॉटन भी कलकत्ता में ही बनाया जाने लगा। वो एक आवश्यक बम की वो सामग्री थी जो बम कॉटन के नाम से थी, वो भी और कहीं बनने के बजाय जब यहाँ से सामान जाएगा तो यहीं से सारे का सारा सामान लेके जाया जाएगा, ऐसा सोच करके वो भी वहीं पर होने लग पड़ा। हाँ, ये सब सामग्री लेकर सरदार भगत सिंह आगरा पहुंच गए। भगत सिंह के साथ उनके एक साथी क्रांतिकारी श्री फणीन्द्र नाथ घोष ने भी इस सारे काम में हाथ मटाया था, और क्रांतिकारी वो थे ही। फणीन्द्र नाथ घोष एक अन्य घटना में गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत अधिक यातनाओं के कारण फणीन्द्र नाथ घोष कमजोर पड़ गए, पुलिस के गवाह बन गए, नहीं शायद उनको सहन कर पाए, बहुत बुरी तरह से काटा होगा, पीटा होगा, हर प्रकार से जब वो दंड दिए जाते हैं तो वो भी बड़े भयानक होते हैं, सब लोग नहीं सहन कर पाते। फणीन्द्र नाथ घोष के गवाह बनने के कारण उसने, फणीन्द्र नाथ घोष ने सभी लोगों के पते ठिकाने बता दिए। पुलिस ने कमलनाथ तिवारी को 28 मई 1929 को बेतिया में गिरफ्तार कर लिया,
वहीं के रहने वाले थे, उसी जिला के रहने वाले थे। बेतिया हाई स्कूल से ही उसको निकाला भी गया था, कमलनाथ को। कमलनाथ तिवारी को गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र केस में सम्मिलित करने के लिए लाहौर भेज दिया गया। कोई भी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई घटना होती और कुछ नहीं तो ये लाहौर षड्यंत्र केस का ये भागीदार है, ये उसका अपराधी है, इसके ऊपर केस चलाओ। ऐसा उस समय की बहुत सारी घटनाएं मैंने आपके सामने लाई है। लाहौर षड्यंत्र केस आपने मेरे मुंह से 100 बार सुना होगा, इससे भी ज्यादा सुना होगा। वहां भेज दिया गया और लाहौर में वहां क्रांतिकारियों द्वारा एक ऐतिहासिक अनशन चला हुआ था पहले से ही, बहुत लंबे समय से। उस अनशन में भी सम्मिलित हो गए कमलनाथ तिवारी, सबसे छोटी आयु के। कमलनाथ तिवारी को आजीवन काला पानी की सजा सुना दी गई, काला पानी की आजीवन। कुछ दिन उन्हें मुल्तान जेल में रखकर काले पानी की काल कोठरियों में भेज दिया गया। काले पानी जेल की कल्पना भी नहीं कोई कर सकता भाई, जहां हमारी कहीं भी कल्पना की उड़ान कहीं तक भी पहुंचती है तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं 2-4 थोड़े थोड़े छोटे छोटे उदाहरण लगा हूं बताने। काला पानी अपने आप में सारी दुनिया से आइसोलेटेड, समुद्र के किनारे और मौसम की भी वहां का अत्यंत गर्म, बहुत गर्म, और मच्छर और जंगली जानवर और ये कीड़े मकोड़े सांप सब कुछ भयंकर, बाहर भी अंदर भी। जिसको अंदर तंग करना होता तो अंदर छोड़ देते सारी रात, वो जागे ताकि सांप काट जाएगा नहीं तो। यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसको और दंड देना है। ये तो आम बात थी ना, कोल्लू में बैल की जगह इस कैदी को जुतना है, पीछे हंटर तैयार है, इतना तेल शाम तक निकालना है सरसों में से, नारियल में से, कहीं भी किसी भी तिलहन में से, और अनाज इतना पीसना है चक्की में से, भयंकर। ऐसे तो ये रूटीन के सुबह से शाम तक के दंड थे, ये कुछ नहीं थे भाई उनके लिए। और क्या होता था जिसको और दंडित करना है? दीवार के साथ दोनों हाथ बांध दिए जाते थे, खड़े रहो 24 घंटे, पांव में बेड़ियां हैं, आपको खारिश भी किसी हिस्से में अगर हो गई तो हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव में भी बेड़ियां हैं। ऐसी बहुत सारी एक से एक भयानक, भयंकर, और उसी छोटी सी काल कोठरी में शौचालय भी है, उसकी बदबू भी है, वो भी आपको ही साफ करना है। यानी ये मैं छोटे छोटे एक नमूने बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कहां तक कल्पना भी नहीं जा सकती, उस प्रकार की भयंकर सजाएं दिया करते थे। और जिस वीर सावरकर को और उसके भाई को वहां रखा गया, और कितने साल, और पास पास होते हुए भी उनको पता नहीं, और इतना ही नहीं, वीर सावरकर और भाई और उन दोनों के परिवारों को पीछे से मकान छीन लिए गए, निकाल दिया गया, किचन के बर्तन उनसे ले लिए गए, निकाल दिए गए, कुछ नहीं उनके पास रखा गया रहा। दयनीय अवस्था में वो परिवार जीते रहे, और तो और बैरिस्टर की डिग्रियां वो ले गए। सावरकर तुम 10वीं पास ही हो, बाकी आगे की डिग्री हमारे पास है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैदियों को फिजिकली मेंटली टॉर्चर करना, सब प्रकार के भयानक से भयानक, भयंकर से भयंकर कष्ट, पीड़ा से भरी यातनाएं देना,
बेचैन कर देना, उनको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देना। और सूरज तो कब देखने को मिलेगा, ये जेलर के ऊपर डिपेंड करता था। ऐसे बहुत सारे किस्से मैंने सुनाए भी हैं, जिन जिन के साथ जो जो हुआ। ऐसे विलक्षण कैदी भी वहाँ पर गए और उन्होंने जो कुछ मुकाबला किया, प्रतिकार किया, जितना वो दंड सोच सकते थे उससे भी ज़्यादा सहने की शक्ति जिन्होंने विकसित की। ऐसे महान क्रांतिवीरों को, शौर्य और वीरता के ये नए पृष्ठ लिखने वालों को मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूँ। और जिस सावरकर का ये योगदान है और उस सावरकर के लिए ये दुष्ट कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, ये कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं, ये सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट क्या बोलते हैं, जिनको भारत माँ की भी कल्पना नहीं। अच्छा भी कांग्रेस कौन सी आज़ादी लेके दे रही थी, चलिए इस चैप्टर पर फिर कभी बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई कांग्रेस का कौन सा लीडर फांसी लगा, पूछेंगे किसी दिन कांग्रेस का कौन सा लीडर अंग्रेज की गोली से मरा, एक नाम तो बता दो। कांग्रेस का कौन सा लीडर काला पानी की सजा जिस भुगतने गया, कोई एक नाम तो बता दो। ऐसी बहुत सारी बातें कांग्रेस की, इस दुष्ट कांग्रेस की, इस गद्दार कांग्रेस की, इस देश को हर तरह से बेचने वाली और स्वाभिमान को शून्य बनाने वाली कांग्रेस को और उन कांग्रेसियों को, इनका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। कभी इसी पर बात करेंगे। इतना तो आप, मैंने आपको कई बार बताया है कि गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का खरीदा हुआ स्पॉन्सर्ड व्यक्ति था। नेहरू के साथ और भी कई थे। चलिए, मैं इन अज्ञात महान नायकों को, वीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ, श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ, आज की पीढ़ी को स्मरण करा रहा हूँ। इन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता रूपी देवी के आगे अपने आप को समर्पित किया, उस यज्ञ में आहुत किया। ऐसे सब लोगों को स्मरण करने का हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन सारे अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का, अभी 190 वर्ष का और फिर सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के कम से कम 1500-2000 ऐसे नायक नायकों को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।